सो है गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए सुबह, एक नए सफ़र, एक नए ब्लॉग में। गाइस आज अपना माता पिता संग धाम तीर्थ यात्रा का छठवां दिन आरंभ हो गया, ठीक है। और हम लोग अभी बनारस में हैं, परसों रोज बनारस आए थे। अगर आप पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, गंगा आरती दर्शन किए, अन्नपूर्णा माता मंदिर दर्शन किए, वहाँ पर आरती दर्शन किए। हालाँकि मंदिर में जो है वो कैमरा अलाउ नहीं हो पाता, नहीं होता, ठीक है, बाहरी लॉकर में कैमरा जमा कर देना पड़ता है। तो हालांकि मंदिर के अंदर का वीडियो वगैरह नहीं क्लिप लिए। बाकी दो दिन बहुत शानदार बीता बनारस में, ठीक है। कल भी सुबह से शाम तक गंगा घाट पर स्नान आदि पूजा अनुष्ठान, बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करना, बाबा विश्वनाथ के ज्ञानवापी कूप ये सब भी दर्शन किए। उसके बाद अन्नपूर्णा माता मंदिर में प्रसाद आदि पाए, वहाँ पर दर्शन किए। तो सुबह से शाम तक दर्शन दर्शन ही रहा। बाकी आज हम लोग यहाँ से होटल चेकआउट कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे मथुरा वृंदावन के लिए। हम लोगों का ट्रेन जो है वो 3:30 बजे है। हालांकि ट्रेन हम लोगों का वाराणसी जंक्शन से ही था, लेकिन ट्रेन का रूट डाइवर्ट होने की वजह से हम लोगों को अब यहाँ से जाना पड़ेगा दीनदयाल उपाध्याय। हम लोग 12:00 बजे तक चेकआउट कर देंगे होटल, उसके बाद यहाँ से ऑटो लेकर के फिर जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय। बाकी अभी सुबह हम तो सोए हुए थे, मतलब सुबह एक बार पहले उठ गए थे, उसके बाद थोड़ा बहुत एडिटिंग बाकी था, वीडियो फिर सो गए करते करते। तो अभी आँख खुला तो देख रहे हैं कि माँ पापा नहीं हैं, तो पता चला कि पूजा करने गए। हालांकि माँ पापा का पूजा का जो रूटीन है वो डेली रूटीन है, ठीक है, मतलब हर दिन पूजा करते हैं घर पर रहने से। अभी यात्रा में भी हर दिन पूजा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान कई ऐसे भी जगह आएंगे जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे ट्रेन में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे जहाँ पर है वहाँ पर पूजा के लिए अगर पॉसिबल हो पा रहा, हर जगह वो पॉसिबल हो जाता है अगर किसी निश्चित एक जगह पर है तो, क्योंकि हर जगह पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और माँ बाबा भोलेनाथ का पूजा हर दिन करती माँ बाबा। तो ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक बढ़िया बात है। तो आँख खुला तो देख रहे हैं कि माँ पापा नहीं हैं, तो जो रिसेप्शन पर भैया उनसे पूछे तो पता चला कि मंदिर गए हैं। हालाँकि उनको मालूम था कि मंदिर जाएंगे, माँ सुबह में ही बोली थी कि मंदिर है पास में, वहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मंदिर आ गए हम लोग, यही है मंदिर सामने में, ठीक है, ये गेट है, ठीक है। मतलब ये जो मंदिर है ये होटल के ऑनर का ही मंदिर है, ठीक है, तो गेट के अंदर है। तो चलते हैं माँ पापा के दर्शन कर लेते हैं माँ पापा के, ठीक है, देख लेते हैं पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके बाद फिर कमरे पे चलेंगे, होटल पे स्नान आदि करेंगे, हम अभी स्नान आदि नहीं किए, ठीक है। तो गाइस ये है मंदिर, ठीक है, आप शिखर दर्शन कर पा रहे हैं, शंकर भगवान का मंदिर है शिव जी का। और यहीं पर होगी माँ पापा पूजा कर रहे होंगे, इधर में माँ है पापा पूजा कर रहे हैं, ठीक है। हरी माँ पापा पूजा करके आएंगे, हम आए हैं तो थोड़ा घंटी बजा दें, बाकी चलते हैं होटल पे कमरे पे। तो गाइस अभी होटल पे आ गए, ठीक है, ये आप देख पा रहे सामने बोर्ड लगा हुआ है सरस्वती लॉज, और ये सामने में रिसेप्शन है, ये बाहर का भी गली है, मेन रोड सामने है, ठीक है। चलते हैं कमरे में, स्टाफ हैं होटल के, ये भैया हैं रिसेप्शन पे रहते हैं। तो गाइस अभी कमरे पे आ गए, ठीक है, तो अभी चल कर के स्नान आदि कर लेते हैं। इधर में अपना लगेज पड़ा हुआ है, बैग, ठीक है, इधर में ये पूरा रैक है लगेज रखने के लिए, इधर में बैग रखा हुआ टेबल पर। तो गाइस माँ पापा आ गए मंदिर से पूजा करके, ठीक है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं सामने चाय नाश्ते की दुकान पे, ठीक है, चाय नाश्ता करके आएंगे, उसके बाद बैग पैकिंग करेंगे। माँ है पापा है, तो गाइस अभी सुबह का नाश्ता हो रहा, ठीक है, बेलमान की पूरी है, ठीक है, आलू और सब्जी है, अचार है, माँ है। नाश्ता उस्ता करके आ गए, ठीक है, अभी होटल के छत पे हैं, ये आप देख पा रहे पूरा स्पेस होटल के छत का है, ठीक है। और ये जो कपड़े देख पा रहे हैं ये सुबह में स्नान आदि करके डाले थे, ठीक है, ये साड़ी उड़ी सब माँ का है, इधर में गमछा है, इधर में शॉर्ट पैंट है, तो कपड़े सारे सूख गए, ठीक है। तो अब चपोत करके बढ़िया से सरिया के कपड़े ले जाने हैं, ठीक है, सूख गए सारे कपड़े। सभी कमरे में आ गए, ठीक है, हाँ, इधर माँ कपड़ा पैकिंग कर रही है, बैग पैक कर रही है, ठीक है। इधर पापा गिलास उलास है, मतलब हम लोग साथ दो तीन बर्तन भी, गिलास है, कटोरा,
बड़ा कटोरा है, सब है, धोधा कर कब रख रहे हैं। ठीक है, इधर बैग पैकिंग भी है, उधर उधर मेरा बैग है, और हम अब मेरा बैग हम कुछ पैकिंग करेंगे अपना। ठीक है, बाकी माँ अपना सब कपड़ा वपड़ा सरिया रही है। अभी हम लोग होटल से निकल गए। ठीक है, अभी 1:15 हो रहा, माँ है, पापा है साथ में, और ये पीछे होटल है। तो चलते हैं, सामने रोड पर से ऑटो मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, वहाँ से ऑटो लेंगे और जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय। ये होटल से निकले, सामने रोड पर बस स्टॉप है, ऑटो स्टैंड है। ठीक है, पीछे माँ आ रही है, पापा आ रहे हैं। बोले बोले अपना समस्या बोले। अरे हमारा यही समस्या है कि जाम है यहाँ पे। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी पुलिस लोगों को रिश्वत खाने के लिए बैठा है, बैठाइए। तो भाई बात तो सही है यार, नो एंट्री है दिन में, है ना? ये बड़े बड़े ट्रक है, नो एंट्री में 200 रुपया लेके गाड़ी बढ़वा रहे हैं। बताओ, 200 रुपया, मात्र 200 रुपया के लेके एक बड़ा बड़ा गाड़ी बढ़वा रहे हैं। बाकी सवारी का ट्रेन छूट जा रहा है, लेडीज लोगों गाड़ी में रो रही है। हाँ, 2 दिन हम क्या करेंगे यहाँ पे? सही बात है, 2 दिन क्या करेंगे यहाँ पे? उसका गाड़ी मुगल तरह से किसी को बनारस जाना रहेगा, आधा घंटा का रास्ता है, साला 3 घंटा लग रहा है। देर हो गई है, जाम इतना बड़ा रोड मोदी का नाम पे, इतना नाम है, क्या कर रहे हैं? देख लो भैया, जाम देख लो, है ना? ठोकर तो ये हम लोग जा रहे हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन से पंडित दीनदयाल का, ये रास्ता है। ठीक है, ये रोड है। बता दीजिए कि 10:30 बजे से निकले हैं, 2 बज रहा है, जो कि आधे घंटे का रास्ता है कि नहीं भाई? सही बात है। सत्र इसके लिए कस्टम आप चले के रास्ते तो गाइज ये आप देख पा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, इधर में लोकल ट्रेन खड़ी है। ठीक है, बाकी ये प्लेटफॉर्म 5 और 6 है। ठीक है, और अपनी जो ट्रेन है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये आप देख पा रहे हैं। तभी हम लोग पहुंच गए दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है, और 5-6 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन जो है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, 1-3-2-3-9 पटना कोटा एक्सप्रेस। ठीक है, ट्रेन का टाइमिंग है 3:30 बजे, लेकिन 10 मिनट डिले दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। बाकी हम लोग वाराणसी जंक्शन से ऑटो पे बैठे, और जो सफ़र था बीच में का वाराणसी जंक्शन से मुगल सराय तक का बाय रोड ऑटो पे, बहुत जाम था बीच में। ठीक है, और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं ना, ऑटो वाले भैया तो पूरा गुस्सा हो गए थे कि ये पुलिस वाले लोग 200-200 रुपये ले करके नो एंट्री वाले ट्रक को दिन में निकाल रहे हैं, और जिसको इसे जाम हो जा रही है। तो उनका गुस्सा भी गलत नहीं था, बात बिल्कुल सही है। बड़ी बड़ी ट्रक लॉरी जो दिन में नहीं जाती है, नो एंट्री में खड़ी रहती है, रात को जाती है, तो सब निकाल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं ना, जाम तो लगेगा। बाकी सबके माँ पापा उधर में बैठे हुए हैं। ठीक है, और ऑरेंज खा रहे थे माँ पापा, तो मुझको भी दिए खाने के लिए, तो खाते ऑरेंज और आगे की तरफ चलते हम लोगों का आगे की तरफ, मतलब इंजन से पहले इंजन, उसका और एक 3 ठो जनरल, उसके बाद अपना S1 ये सीट है। तो चलते ऑरेंज खाते जाते आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अपनी ट्रेन 1-3-2-3-9 PNB पटना कोटा एक्सप्रेस आ गई है। ठीक है, ऑन टाइम आई है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज अभी हम लोग सीट पे बैठ गए हैं। ठीक है, हम लोगों का सीट है 58 और 59। ठीक है, ये 58 है और ऊपर वाला 59 है। तो माम ने भी सीट लेंगे और हम ऊपर का सीट ले लेंगे, और पापा ठीक इसके पीछे है 54, मतलब बैक साइड 54 नंबर सीट है पापा का, तो भी अपर साइड ही है, पापा ले लेंगे। तो गाइज अभी शाम का नाश्ता हो रहा है, रिफ्रेशमेंट। ठीक है, चूड़ा घर का भुजा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं लड्डू टाइप का, बर्फी टाइप का, ये बादाम है। ठीक है, घर का, और किशमिश है। ठीक है, और सामने माँ बैठी हुई है, इधर पापा बैठे हुए हैं। ठीक है, और अपने साथ में सफ़र कर रहे हैं ये भैया हैं, क्या नाम हुआ आपका?
सूरज भाई साहब है अपने, और अपने YouTube फैमिली के मेंबर भी बन गए सब्सक्राइब करके, अपने विजय हाँ सुरेंद्र कुमार भैया अपने YouTube फैमिली के मेंबर भैया भी बन गए, और इधर भी अपने भाई साहब है साथ में, तो साथ में ही सफ़र हो रहा है। भैया लोग का आगरा तक का सफ़र है और अपना मथुरा तक का सफ़र। तो गाइस पापा जो है अपना सीट पकड़ लिए, ठीक है, चादर इधर निकाल रहे हैं, अब इस तरह लगाएंगे अपना और सो जाएंगे, ठीक है। बाकी माँ जो है और हम बगल वाली सीट में हैं। तो गाइस अभी रात का भोजन हो रहा, ठीक है, घर का बना हुआ लिट्टी रोल का चोखा, आलू का भुजिया और अचार, ठीक है। इधर में माँ है, ठीक है, माँ भी पा रही है लिट्टी। इधर में अपने साथ में सुरेंद्र भैया हैं। इधर में अपने और नहीं लगेगा, बहुत हो जाएगा, यही बहुत है। तो भैया हैं, सब साथ में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। भैया घर से बना करके लाए हैं, तो बोले आप लोग भी खाइए साथ में, बहुत ही शानदार है। गाइस अभी अपनी सीट पे आ गए, ठीक है, अपना सीट है 59 नंबर अपर बर्थ, और पापा बगल में है 54 नंबर को, ठीक है, इस साइड में उनका भी अपर बर्थ है, ठीक है, और माँ नीचे में है, मिडिल बर्थ है, माशा जितना भी लोअर बर्थ है तो ये नीचे बात में, अगर उस मिडिल में आना होगा तो बाद में मिडिल में आकर, ठीक है। तो अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अभी सो जाएंगे, ठीक है। शाम को चूड़ा बादाम ये सब खाएँ, कभी कुछ भी खाने की मन में पानी में पी लिए। तो आज के इस दिन को, इस सफ़र को, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, एंड कल फिर मिलते हैं एक नए दिन अपने सफ़र के साथ, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, बाय बाय।